नमस्कार दोस्तों, राज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा आज एक वेल्डिंग मशीन के बारे में, जो ये सिंगल पेस की वेल्डिंग मशीन है दो कोयल की। तो ये इसकी कैसे रिपेयरिंग होती है, तो सबसे पहले आपको ये वेल्डिंग मशीन खोल देना है। खोलने के बाद में ये वायर को अलग कर लेना है। तो दोस्तों, ये 13 नंबर का पाना लगेगा इसमें। 13 नंबर के पाने से आप इसको हटा सकते हो और दोनों वायर काट लेना है कटर के हिसाब से। तो दोस्तों, नीचे की कोयल जली हुई है, इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, मैंने दोनों वायर काट लिए हैं इसके। फिर दोस्तों, ये 13 नंबर पाने से हमको ऊपर के दो नट दिए हुए हैं, ये डाई सूत के नट हैं, दोनों नटों को खोल लेना है आपको। ज़्यादा इसको खोल के ढीला कर लेना है, फिर इसकी पत्ती आपको निकल जाएगी बाहर। एक एक पत्ती के हिसाब से इसकी 10-10 की पड़त होती है। एक साथ 10 पत्ती एक साथ लगा सकते हो, कोई में 5 लगती है, कोई में 10 लगती है, इस हिसाब से ये पत्ती लग जाती है। तो ये एंगल खुल रही है, एंगल खुलने के बाद में मैं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, ये एंगल अलग हो गई है, हमने खोल लिया है, इस हिसाब से ये पड़त है पत्तियों की। तो आप देख सकते हो, मैंने ये नोल के इधर इधर कर लिया है और इसको एक साइड में कर देते हैं, वापस का स्क्रू नट लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये पत्तियां हैं, इसके 10-10 की पड़त है और इसके हमने गिन लिया है पूरा। तो इस तरीके से ये पत्तियां बाहर आ जाएगी। तो दोस्तों, ये पत्तियां एक एक करके पूरी आपको बाहर निकाल लेना है इस तरीके से। थोड़ा दोस्तों, मैंने वीडियो फास्ट किया है, ऐसे ये वीडियो कम से कम 20-25 मिनट का होता था, इसलिए मैंने ये वीडियो कम से कम 6-7 मिनट पर कवर किया है, इसलिए थोड़ा फास्ट है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वॉइस तो मैंने नॉर्मल रखा है। तो दोस्तों, ये कोयल हम बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से। आपको ये कोयल बाहर निकालना है, तो सबसे पहले ऊपर वाली कोयल में लकड़ी के कुछ दिए हुए हैं, इसको बाहर खानना है। बाहर काटने की कोई पेचकस या अपना कुछ भी औजार हो, उसके सहारे से ये बाहर निकल जाएगी। या ऐसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये वेल्डिंग मशीन, अब मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ और मैं बताता हूँ कैसे ये बाहर निकलती है। तो दोस्तों, मैंने पेचकस लिया है, इस पेचकस से इसमें कुछ लकड़ी के गुटके बना के लगाए हुए हैं, जो ये कोयल वायर वेट ना करे, इसे दूजे नहीं। वायर वेट करने से ये कोयल में कुछ खराबी होती है, इसलिए टाइट रखना चाहिए कोयल को, इसलिए पुरानी ये टाइट है। तो ये वापस वही लगा देंगे, तो कोयल बाहर निकल गई है। जो कोयल निकली है वो डीसी है, और ये मैं देख रहा हूँ, ये डीसी कोयल है और ये एसी कोयल है। तो इसकी एसी कोयल होती है जो लाइट में होती है, वो जल गई है। तो इसकी वायरिंग कैसे होती है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, ये हमने कोयल बाहर निकाल ली है और अब इसका वायर गेज लेते हैं। तो दोस्तों, ये वेल्डिंग कंप्लीट बाहर आ गई है। तो दोस्तों, हमने गेज ले लिया है, ये वायर का गेज है। तो दोस्तों, ये गेज करते हैं इसका वायर से। तो दोस्तों, ये हमने बिल्कुल कंप्लीट नया वायर देख लेते हैं, उसका हिसाब से इस पर गेज हो जाता है। तो दोस्तों, ये मेरे पास चक्री वाला गेज है, इस पर देख लेते हैं, ये 12 नंबर के आसपास वायर है दोस्तों। तो वेल्डिंग में दोस्तों ये 12 नंबर लगता है, और दोस्तों इसमें से गेज कर लेते हैं, दोनों को सेम मिला लेते हैं, कुछ फर्क आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों, मेरे पास में 12 नंबर की कोयल लाई हुई पहले से पड़ी है, एस्ट में वायर रखता हूँ, मैं ये वेल्डिंग का काम करता हूँ, खुद मिस्त्री हूँ। तो दोनों को दोस्तों, दोनों को कंपेयर यानी दोनों को मिला लेते हैं, दोनों वायर एकदम ओके हैं। बिल्कुल ओके है दोस्तों, दोनों हमने कंपेयर कर लिया, इस कोयल से इस कोयल से मिलान बिल्कुल मैच हो गए हैं। तो दोस्तों, इस कोयल की हम वायरिंग करते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो दोस्तों कैसा लगा इसके बारे में लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे को कमेंट करें और मेरे को बताइए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।